नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शिवप्रिय सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हुई है। सावन महीने की पहली एकादशी 24 जुलाई दिन रविवार को है। सावन की पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। ये सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। इस व्रत को करने से सभी तीर्थों से स्नान के सम्मान का पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कामिका एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या है। नंबर एक, कामिका एकादशी तिथि। दोस्तों, वास्तु शास्त्रों के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:27 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन 24 जुलाई को दोपहर 1:50 पर होगा। ऐसे में उदयाय तिथि की मान्यता अनुसार कामिका एकादशी व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। नंबर दो, कामिका एकादशी 2022 मुहूर्त। दोस्तों, 24 जुलाई को प्रातः काल से वृद्धि योग है जो दोपहर 2:02 तक होगा। उसके बाद से ध्रुव योग लग जाएगा। इस दिन द्वीप पुष्कर योग रात 10:00 से अगली सुबह 5:40 तक है। रोहिणी नक्षत्र रात 10:00 तक है और उसके बाद से मृगशिरा नक्षत्र होगा। इस दिन का शुभ समय यानी कि मुहूर्त दोपहर 12:55 तक रहेगा। राहु काल का समय शाम 5:35 से शाम 7:17 तक रहेगा। जो लोग कामिका एकादशी व्रत रखेंगे वह भगवान विष्णु की पूजा प्रातः काल से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही वृद्धि योग है। इस दिन ये योग नक्षत्र शुभ होता है। नंबर तीन, कामिका एकादशी पारण समय। दोस्तों, 24 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखने वाले 25 जुलाई को प्रातः सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करेंगे। इस दिन पारण करने का समय सुबह 5:40 से सुबह 8:22 तक रहेगा। 25 जुलाई को शाम 4:15 तक द्वादशी तिथि का समापन होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।